हेलो, कैसे हैं? हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडियन पीनल कोड 1860 के चैप्टर थर्ड सेक्शन 71 टू 74 इन धारा 71 से लेकर 74 तक के बारे में बताऊंगा। सेक्शन 71 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि। ये जो सेक्शन है 71, इसमें संचयी दंड की विधि के संबंध में उपबंध किए गए हैं और ये कहा है कि कई अपराध मिलकर अगर होते हैं तो उसमें कितनी सजा हो सकती है। इसमें तीन बातें बताई गई हैं। पहली बात है कि किसी एक अपराध का निर्माण करने वाली कोई ऐसी बात जो ऐसे भागों से मिलकर बनी है जिसमें का कोई भाग स्वयं अपराध है, मतलब जो अपराध हो रहा है उसका हर एक बात अपने आप में अपराध है। जैसे उदाहरण, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को लाठी से मार रहा है, तो जितनी भी लाठी मार रहा है हर एक लाठी उसके लिए, हर एक लाठी जो मार रहा है वो अपराध कर रहा है हर लाठी पर। तो ऐसे वो अगर वो 10 लाठी मार देगा तो क्या 10 अपराध करेंगे? नहीं, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ने 10 लाठियां मारी हैं तो अपराध एक है। अगर एक लाठी मारता तो शायद उपहत्ति होती, और अगर 2 लाठी मारी है तो घोर उपहत्ति में आएगा। ठीक, ये बात इसमें बताई गई है। दूसरा भाग देखिए इसका 71 का, एक संव्यवहार में किए गए या उससे उत्पन्न भिन्न अपराध। एक ही संव्यवहार में, मतलब अगर कोई कार्य हो रहा है उस दौरान काम किया गया, उस समय कई अपराध कर दिए, तो अगर किसी व्यक्ति ने जिस समय वो अपराध कर रहा था, मान ले कोई व्यक्ति रात में रिश्ती करने के लिए या हम तथा हमला के लिए गृहभेदन करता है, घर में घुसता है, तो चार घर में गृहभेदन करता है तो सेक्शन 426 लगेगा, 447, 452 लगेंगी। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हर सेक्शन के लिए उसे अलग अलग दंडाधिष्ट किया जाएगा या अलग अलग उसे अपराध दिया जाएगा, इसका विचार एक साथ होगा। अब इसका जो तीसरा भाग है 71 का थर्ड थर्ड, ये कह रहा है कि किसी एक तथ्य से उत्पन्न होने वाले भिन्न अपराध। एक तथ्य से, एक तथ्य से मतलब यहाँ पर यह है कि अगर उदाहरण मैं बताऊँ कि अगर कोई महिला एक शिशु को, अब एक शिशु का अभित्याग करती है और अभित्याग कर देगी, उसे यह मालूम है, तो उसका शिशु मर सकता है अभित्याग करने के बाद, ये उसे पता है और उसने ऐसा ही किया और वो पुत्र, वो शिशु मर गया। तो अब उस महिला के ऊपर 317 और 304 के अधीन भिन्न भिन्न दंड ना देकर केवल 304 के अंतर्गत ही विचारित होगा या विचारण होगा। ठीक है, 304 का, 317 का नहीं होगा। फिर अब अगला सेक्शन देखें 72। 72 में ये कहा गया, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कर दे और अपराध करने के बाद हमें ये पता ना चले, ये संदेह हो हमें ये कि उसने जो अपराध किया है कौन सा है, उसका उसने जो अपराध किया वो कौन सा किया है, तो ऐसी कंडीशन में जो कम से कम दंड वाला, कम से कम जिसमें दंड है, वो मान, ये माना जाएगा कि उसने वो अपराध किया है। अब सेक्शन 73 देखें, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकांत परिरोध। एकांत परिरोध का मतलब ये होता है कि ये कठोर कारावास में अपराधियों को दिया जाता है और उसे इस संसार से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और उस स्थान पर रखा जाता है जहाँ पर किसी का संपर्क नहीं हो पाता है। ये सेक्शन 73 में बताया गया है। और अभियुक्त का जो दंड होता है, संपूर्ण दंड, संपूर्ण अवधि में जो एकांत कारावास जो कुल मिलाकर 3 माह से अधिक नहीं होगी, मतलब किसी भी अपराधी को अगर हम परिरोध का कारावास दे रहे हैं तो उसे कुल मिलाकर
3 माह से अधिक नहीं देंगे। इसमें अवधि भी दे रखी है कि यदि कारावास की अवधि उसे 6 माह की है या 6 माह से अधिक नहीं है, कम की है, 6 माह तक की है, तो उस दशा में जो परिरोध होगा वो सिर्फ 1 माह तक का हो सकता है, इससे अधिक नहीं। यदि किसी को 6 माह से लेकर 1 वर्ष का कारावास हुआ है तो उसमें 2 माह तक का ही परिरोध हो सकता है, एकांत कारावास हो सकता है। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो 3 माह से अधिक की कारावास जो हम दे रहे थे एकांत कारावास, वो 3 माह से अधिक का नहीं होगा। ये सेक्शन 73 था। सेक्शन 74 देखिए, 74 धारा 74 में एकांत परिरोध की अवधि। इसमें ये कहा गया है कि जो एकांत परिरोध है, अगर जो मूल दंडादेश है उसकी अवधि 3 माह से अधिक है तो दिए गए कारावास किसी एक मास में एकांत परिरोध की जो अवधि है वो 7 दिन से अधिक नहीं होगी। अगर किसी को 3 माह से अधिक है जो अवधि दंडादेश की, तो वहाँ पर जो हम कारावास देंगे वो एक माह में एकांत परिरोध की अवधि सिर्फ 7 दिन की ही रहेगी, सिर्फ 7 दिन की। और दूसरी कंडीशन ये है कि एकांत परिरोध का अधिरोपण कई अंतरालों में किया जाता है, कई अंतरालों में कई बार दिया जाता है, परंतु उसमें कहा गया कि किसी भी स्थिति में इसकी अवधि 1 बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगी। यानी कि इस सेक्शन में ये कहा गया था कि जिसे एकांत जो कारावास है वो अगर 1 माह का मिला है तो 1 बार में 7 दिन और अंतरालों में मिला है तो 14 दिन से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा, 14 दिन से ज़्यादा के हम उसे एकांत परिरोध में नहीं रखेंगे 1 बार में अधिक से अधिक। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 71 से 74 तक बताया। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें।